क्लास का सिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स, और हमने बहुत सारे सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरियाज भी पढ़े। तो हमारी एक्सरसाइज 6.3 में आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी उन क्राइटेरियाज पर ही बेस्ड है। आज जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉर्मली ए सिमिलरिटी से हम रिलेट करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में ए सिमिलरिटी आएगी, दैट मीन्स कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंगली दो एंगल्स की हमें सिमिलर मिल, दो एंगल्स की हमें इक्वल मिल जाते हैं तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्या कहा है इसमें, इसमें फिगर बना के नहीं दिया है, हमें बनाना है फिगर। ओके, सो एस एंड पी आर द पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। दैट मीन्स वी हैव ए ट्राइंगल पी क्यू आर, P, Q and R, S point है आपका पी आर पर, तो पी आर पर कहीं पर भी हम S point mark कर सकते हैं, and T is on Q R, और T हमारा कहीं पे भी है, mid point है ऐसा नहीं बोला, कहीं पे भी mark कर सकते हैं, okay? Such that angle P is equals to angle R T S, that means we have to join this और ये angle, okay? One mark कर देती हूँ, उसे two mark कर देती हूँ, तो question आपको given है कि angle one is equals to angle two. And you have to show that triangle RTQ, that is this bigger triangle, is similar to triangle RTS, that is this smaller triangle. तो ये बहुत ही easy है, 2 marks की category का question है, और simply AA similarity से ये prove हो रहा है। कैसे देखें हम? तो given आपको लिखना ही है, given is angle P is equals to angle RTS to prove. That is triangle RPQ is similar to triangle RTS. अब देखो कैसे प्रूफ कर रहे हैं उसमें, सिंपली जैसे मैंने बोला कि हमें दो एंगल्स चाहिए जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंगली इक्वल मिल जाए आपको। तो देखो वन और टू को आपको दे ही रखा है, एंगल वन इज इन RPQ एंड एंगल टू इज इन RTS। अब एक और एंगल बचा हुआ है, तो देखिए अगर हम इस एंगल R को, तो RQP में भी पूरा एंगल R आ रहा है और RTS में भी ये एंगल R एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस एंगल R इज ए कॉमन एंगल। तो हमारे पास दो एंगल्स आ गए, दैट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS क्या करना है हमें, कि सिंपली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिस गिवन एंड angle R is equals to angle R, simply write common angle, जैसे हम congruency में भी कर देते हैं। Therefore, triangle RPQ is similar to triangle RTS by AA similarity. Clear? ये बहुत ही easy सा question था, लेकिन फिर भी exam में अगर कुछ थोड़ा सा change करके दे देते हैं तो students नहीं समझ पाते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी दो एंगल्स हमें ढूंढने हैं जो करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाए। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके, तो ध्यान से करना है। क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी ई ए सी डी, मैं यहां पर थोड़े से फिगर अलग से बना देती हूँ, A, B, E and here it is, इस तरह से हमारे पास A, B, C दे रखा है। ओके, ये दोनों congruent, congruent है means corresponding angles equal है, corresponding sides भी क्या है, equal है, और हमें प्रूफ करना है A, B, E मतलब this upper triangle is similar to triangle A, B, C, that is the whole bigger triangle. ओके, तो देखो क्या कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर जब सिमिलर करना है तो इस कॉन्ग्रुएंसी से हमें कुछ साइज का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और हम यहाँ पर एक एंगल जो है वो एंगल ए यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, देखो ए डी ई में भी एंगल ए है और ए बी सी में भी एंगल ए कंप्लीटली आ रहा है, तो एंगल ए तो कॉमन मिल जाएगा हमें, और एस ए एस क्राइटेरिया के लिए हमें ये साइड जो है दूसरी उनका रेशियो चाहिए। ओके, तो देखो कैसे ढूंढेंगे हम रेशियो, सबसे फर्स्ट given to prove, अब आप खुद लिख लेना। Now for proof, हम देखें कि दोनों ट्राइंगल जो congruent है उसकी corresponding sides equal है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, this AB is equals to AC and AE is equals to this side AD and the remaining one BE is equals to CD, as triangle ABE is congruent to triangle
ट्राइंगल एसीडी। अब देखो अब हमारे को यहाँ पर तीनों पार्ट यूज करने की जरूरत है, हमें सिर्फ दो ही पार्ट चाहिए, उससे हम जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं उसका रेशियो निकालेंगे। तो देखो अब नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, एक और ट्राइंगल सुनेंगे हम। देखो अगर ए डी लेते हैं हम छोटे वाले ट्राइंगल की साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए बी लेते हैं, है ना। तो देखो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड का रेशियो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट देखें ए डी किसके इक्वल है ए ई के और ए बी किसके इक्वल है ए सी के। तो अगर इस रेशियो को हम ध्यान से देखें तो ए डी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, एक साइड छोटे वाले ट्राइंगल की एक बड़े वाले की, इधर भी छोटे वाले की इधर भी बड़े वाले की। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी फ्रॉम फर्स्ट, इस पूरे को मैं फर्स्ट मार्क कर देती हूँ, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, द रीजन इज कॉमन एंगल, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। क्लियर। तो जो गिवन आपको कॉन्फ्रेंसी वाला टर्म दिया था उससे हमने कंडीशन फाइंड आउट करी इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप खुद करोगे, सिंपल, बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं और सारे पार्ट्स में आपको ए ए सिमिलैरिटी की प्रूफ कर यूज करनी है प्रूफ करने के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और एग्जाम में आता भी है, लेकिन मैं आपको इसका सिर्फ एक हिंट बता रही हूँ, पूरा लिखोगे प्रॉपर वे में आपको। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस अ पैरेललोग्राम EBCD, दैट मींस वी हैव अ पैरेललोग्राम ABC एंड D, और क्वेश्चन में बोला है कि AD को हम प्रोड्यूस करें अप टू E एंड यू हैव टू जॉइन दिस BE जो कि इस CD लाइन को F पर इंटरसेक्ट, then you have to show that triangle ABE is similar to triangle CFB. ABE that is a pura triangle और ये CFB जो है वो आपके सिमिलर है, ये चेक करना है। तो ये भी AA सिमिलरिटी से ही हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो कि ABCD पैरेललोग्राम है, इसी की लाइन एक्सटेंड करी हमने, तो देखो हमारे पास AE जो है वो पैरेलल है BC से, that means this angle 1 and this angle 2 are इक्वल। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंग, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन सेकंड वन, एक और एंगल देखना है, तो दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, दिस बोथ आर आल्सो इक्वल। क्यों इक्वल है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब ये दो एंगल मिल गए, एंगल 1 हमारे पास इस बड़े वाले ट्राइंगल का, एंगल 2 हमारे पास सी बी एफ ट्राइंगल, देन ए बी ए बी ई ट्राइंगल में एंगल 3 और ऐसे ही बी सी एफ में आपके पास एंगल 4, तो दो एंगल्स मिल गए, तो ए के सिमिलरिटी से ये भी क्या हो गया आपके पास सिमिलर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज है, आप खुद करोगे। आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव सी डी एंड जी एच रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट बी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी EFG respectively. If triangle ABC is similar to EFG, you have to find this. अब इतनी सारी एक साथ सारी टर्म्स लिखी हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि दिया क्या था। तो सिंपली हमें यहाँ क्या दिया है कि ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल EFG है, this is ABC and this is EF and FEG. ओके, और हमें यहां पर दिया है कि CD and GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB, ACB का बाइसेक्टर है दिस CD, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, एंड GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF, तो यहां से भी एक बाइसेक्टर है GH, दैट इज दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस वन। ओके, एंड ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ABC इज सिमिलर टू FEG, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पार्ट्स शो करने हैं। ओके, तो गिवन में सिंपली हमारे पास ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG है एंड द
दिस सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक. और प्रूफ में टू टू में आप सारे ही पार्ट्स यहां पर लिख दोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. नाउ द प्रूफ. अब देखो प्रूफ में क्या, सबसे फर्स्ट जो हमें यहां पर गिवन था ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, उसी को यूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रेशियो भी मिलेगा. तो देखिए अगर हम ये ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना. तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट जो रेशियो दिया है पूछा है हमें, उसमें अगर हम देखें कि क्या साइड्स हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन से ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तो लेट्स चेक दिस सी डी दैट मीन दिस साइड अपॉन जी एच यानी कि दोनों एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन एंड ए सी दैट इज दिस लाइन एंड एफ दैट मीन्स की अगर हम ये दोनों अपर ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें बाय एनी ऑफ द क्राइटेरिया तो हमारे पास सीपीसी हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट रेशियो भी आ जाएगा. तो जैसे अगर हम देखें कि एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी जो गिवन है आपके पास, है ना, उससे क्या आ रहा है कि अगर सिमिलर है तो एंगल ए और एंगल एफ ऑलरेडी इक्वल हो गए. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मार्क कर देती हूँ. और सेम ऐसे ही अगर हम देखें कि पूरा ट्राइंगल एबीसी और ईएफजी आपके पास सिमिलर है तो दिस एंगल सी द होल एंगल सी एंड हियर एंगल जी जो है वो भी इसी रीजन से क्या है, इक्वल है. लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, दैट मींस मैं इसको एंगल वन और एंगल टू मार्क कर देती हूँ. तो हाफ ऑफ एंगल सी करें हम और हाफ ऑफ एंगल जी करें तो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा. जब पूरे इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल. एंड हाफ ऑफ एंगल सी दैट मींस की एंगल वन एंड हाफ ऑफ एंगल जी दैट मींस एंगल टू, ये भी क्या हो गया हमारे पास, इक्वल. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास ये स्मॉलर ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए. सो ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच एंड जी बाय ए ए सिमिलैरिटी. और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, हमारा सिमिलर होगा. ठीक. सो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी एज द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल are equal. Yes, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया. एंड विद दिस हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया. देखो हमारे पास थर्ड पार्ट क्या था, डी सी ए सिमिलर टू सॉरी दिस वन डी सी बी ओके दिस वन इज थर्ड पार्ट डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ. तो जो अभी हमने किया है ना, अभी हमने इन्हीं ट्राइंगल्स को फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था. तो सो ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ सिंपली यू कैन राइट प्रूव्ड अबाउट ओके फॉर द थर्ड पार्ट. एंड फॉर द सेकंड पार्ट अगर वो सेकंड पार्ट में देखें हम तो डी सी बी दैट इज दिस लोअर ट्राइंगल एंड दिस वन ऑल्सो लोअर ट्राइंगल इन दोनों को भी आपको सिमिलर प्रूव करना है. तो आप खुद कर सकते हो जैसे जैसे हमने अभी किया वैसे ही कि एंगल बी जो है दोनों में इक्वल है और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर तो आपके पास दो एंगल आ गए इक्वल दैट मीन्स कि ए सिमिलर टू ट्राइंगल सिमिलर हो गए और आपका सेकंड पार्ट भी क्या है प्रूव हो जाता है. ठीक है विद दैट नाउ आई एम टेकिंग दिस 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन भी इजी है, सिंपली आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है उससे आपके पास ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सिंपली प्रूव हो जाता है. क्या है देखो इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव वन फिगर इज ऑल्सो गिवन हियर दिस ट्राइंगल ए बी एंड सी एंड हियर इट इज ए डी और इसे एक्सटेंड कर रखा है ई तक और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है एफ. ओके नाउ हियर इट इज गिवन दैट
दिस इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबी इक्वल्स टू एसी. आइसोसेल्स ट्रायंगल है और एबी इक्वल टू एसी गिवन है एंड एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर और ईएफ भी परपेंडिकुलर है एसी पर. ये सारी चीजें गिवन है और हमें प्रूव करना है. टू प्रूव द ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ. देखो एबीडी दैट इज दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू एबीसीएफ. ओके तो देखो यहां पर सिंपल ए सिमिलरिटी से हो रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे फर्स्ट अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स दिस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, है ना. रीजन आप लिख सकते हो, है ना, एंगल सपोजिंग टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंड अब देखो यहां पर दिस इज थ्री एंड यहां पर भी 90 होगा, इसको हम फोर मान सकते हैं. तो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री ईच 90 डिग्री. That means कि आपके पास दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ए सिमिलरिटी से क्या हो गए, ट्राइंगल सिमिलर. ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर वे में कोई लिखोगे. एंड विद दैट हमने इस एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन तक कर लिए. नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो होगा उसमें हम 12, 13 और 14 क्वेश्चंस करेंगे. लेकिन उसमें 12 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन दोनों है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.